सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराह रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरुर्श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येनो तस्मै श्रीगुरवे नमः अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपाठसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीप्तः सदा हृदयकन्दने स्फुरतु शचीनन्दनः चेतां स्वरतोपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदानुभूजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागाररत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट्टतस्थितकर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरु मंद मतेर दयां दरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री बिदग्ध माधव नाटक पंचम अंक में श्री प्रियालाल के श्रीमद वृंदावन बिहार का श्री रूप गोस्वामी पाद दर्शन करा रहे हैं। श्री वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी दोनों की दोनों आए वृंदा जी के प्रार्थना करने पर श्रीमद वृंदावन में पधारे और जब श्री सखीगण वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रही है श्री श्याम सुंदर वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं उस समय समासोक्ति के माध्यम से आप ऊपर से तो वर्णन कर रहे हैं वृंदावन की शोभा का और सब भीतर से उसमें श्री प्रियालाल इनकी शोभा का श्री किशोर जी की शोभा का ही वर्णन किया जा रहा है। एक पद्धति है वर्णन करने की उसका नाम है समासोक्ति। समासोक्ति उसे कहते हैं जहाँ ऊपर से वर्णन कुछ हो और उसके साथ ही साथ में भीतर कोई दार्शनिक या मनोविज्ञान कथा भी साथ में चल रही हो उसका नाम है समासोक्ति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलिगरी। उस एलिगरी के माध्यम से
एक समासोक्ति के माध्यम से ऊपर से वृंदावन की शोभा का वर्णन चला है और भीतर जो तात्पर्य है वो तात्पर्य श्री प्रियालाल इनकी शोभा का ही निरूपण करा वो उसमें मूल तात्पर्य होकर के श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हरिणी भुटंबे से नेत्र खेले आप 39 मशनों उसकी बार कहा था पांच में उनका 39 मठट नहीं कि हरिणी विलंबे से नेत्र खेले आप बोले हे प्रिय आप अपने नयनों की चंचलता नेत्रों की भंगिमाओं के द्वारा हरिणी विलंबे से वृंदावन की जितनी भी हरिणी है उनकी शोभा को पीका कर देती है कहने के लिए हरिणी है पर ये हरिणी कौन है बोले सखी गणों के नेत्र ही हरिणी है सुनीरजा हाँ ललतई लता पिककुलम कलोक्त भी आप अपने ललित के द्वारा ललित भाव के द्वारा लताओं को मोहित कर लेती हैं अपने कंठरव के द्वारा पिक माने कोयल उनको मोहित करती हुई विराजमान है शिखनिश्च कुंतल कलाप विभ्रमई और अपने अलकावली के द्वारा मयूरों को शिखर माने मयूर मयूरों को मोहित करती हुई विराजमान है ऊपर से वर्णन किया जा रहा है मयूरों का कोयल का लताओं का हरणियों का परंतु तत्वतः श्री प्रिया जी की जितनी भी सखीगण उनके साथ में प्रिया जी की अपूर्व शोभा उसका ही वृंदावन वर्णन के माध्यम से समासोक्ति में यहां गायन किया जा रहा तो हे प्रिय ते पुरक्किमवे मे बदश्रिया आपके सामने इस वृंदावन की शोभा क्या है अर्थात आपकी शोभा ही वृंदावन में व्याप्त होकर के विराजमान है आपके सामने वृंदावन की शोभा इसका क्या वर्णन किया जाए श्री वृंदा जी कह रही हैं कि बिरकोन मियम सुनीरजा ज्योति शुद्धोज्वल सत्व संतति स्फुट कृष्ण रुचिर यमाद्रता मुनि गोष्ठी चकास्ते भानुजा आप वृंदावन में श्री यमुना जी की शोभा का दर्शन करो अब श्री वृंदा जी यमुना जी की शोभा का वर्णन कर रही है कि यमुना जी ऐसी लग रही है मानो मुनियों की गोष्ठी हो अब मुनियों की गोष्ठी कैसी होगी बोले मुनिजन बिरतोमी यम उनमें छह उर्मिया समाप्त हो जाएगी छह वेव्स छह जो उर्मिया हैं वे समाप्त हो गई माने आध्यात्मिक आध्यभौतिक और आध्यदैविक तीन प्रकार के जो कष्ट हैं उनके द्वंद समाप्त हो गए आध्यभौतिक कष्ट का प्रतीक है भूख प्यास आध्यदैविक कष्ट का प्रतीक है सर्दी गर्मी उपलक्षण है और आध्यात्मिक माने मन के कष्टों का प्रतीक है मन की उर्मियों का प्रतीक है सुख दुख तो ये छह उर्मियां मानी गई है भूख प्यास सुख दुख सर्दी गर्मी और ये एक तरह से उपलक्षण है एक तरह से सिंबल है आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक माने शरीर शरीर के कष्ट उनका सिंबल है उनका प्रतीक है भूख प्यास मन के जो दुख हैं आध्यात्मिक दुख उनका प्रतीक है सुख दुख और जो दैवी सुख या दुख हैं उनका प्रतीक है सर्दी और गर्मी तो ये छह उर्मी तो ऋषियों की जो मंडली है वो भी छह उर्मियों से रहित है और इस वृंदावन की शोभा का के भी क्या वर्णन करूं श्रीमद वृंदावन की शोभा भी कैसी है कि बिरत उर्मी यहां वृंदावन में आकर के साधकों की या लीला परकर की जितनी भी उर्मियां हैं वे सब विगत हो गई हैं माने भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब यहां पर निवृत्त है सर्वदा सर्वदा श्रीमद वृंदावन सुखकर गुणों से युक्त होकर के ही विराजमान श्रीमद भागवत में वर्णन किया गया सच वृंदावन गुण ही वसंत एवं लक्ष्यता
ग्रीष्म ऋतु आई है, परंतु ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन के गुणों के कारण आज वसंत जैसी शोभा को प्राप्त होती है। तो वृंदावन में सदा रहत बसंत वृंदावन, श्रीमद वृंदावन में सर्वदा बसंत ही निवास करती है। तो बिल्कुल इसमें उर्मी नहीं है, सुख दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास यहां पर नहीं है। सुनीरजा श्री मुनियों की जो गोष्ठी है वो भी कैसी होती है, सुनीरजा नी रजा माने रजोगुण से रहित है। जो मुनिगण है वे रजोगुण से रहित होते हैं, और ये श्री वृंदावन भी कैसे हैं, यमुना जी भी कैसे हैं, और श्री यमुना जी सुनीरजा जिनका सुंदर नीरज माने कमल खिल रहे हैं, नीर माने कमल जल उसमें जो उत्पन्न होती है माने कमल, जहां पर सुंदर कमल खिल रहे हैं। तो सुनीरजा श्लेषणता का बड़ा सुंदर प्रयोग चल रहा है कि बिल्कुल भी आय श्री ऋषिगणों की मंडली छह उर्मियों से रहित है, और वृंदावन की यमुना जी का जो जल है वो भी इस समय स्थिर होकर के विराजमान है। सुनीरजा यमुना जी में कमल खिल रहे हैं, जैसे ऋषियों की गोष्ठी रजोगुण से रहित होकर के विराजमान होती है। और शुद्ध सत्वोज्वल सत्व संतति और धृत शुद्धोज्वल सत्व संतति, जहां पर मुनियों की गोष्ठी कैसी है कि जिसमें शुद्ध सत्व उज्जवल सत्व गुण के गुण ही विद्यमान है, विशुद्ध सत्वात्मक गुण जहां विद्यमान है, अर्थात इनके चित्त प्राकृत सत्व वाले नहीं है, इनके गुण चिन्मय सत्व वाले हो गए हैं। जिस समय कोई साधक श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है और श्री गुरुदेव जब उसे रहस्य प्रदान करते हैं माने एकांत में छिपाकर देने वाली वस्तु, उस महत्वपूर्ण आनंददायी मूल्यवान वस्तु को जब प्रदान करते हैं और उसको वो साधक छिपा करके रखता है, इसलिए मंत्र का एक अलग नाम है, मंत्र का ये दूसरा नाम है रहस्य। श्री गुरु जी रहस्य देते हैं, रहस्य की तीन विशेषता कि दिया जाएगा छिपा करके वो मूल्यवान होगा, और जो रखेगा उसको भी छिपा करके रखेगा, उसका प्रचार नहीं करेगा। ये तीन गुण जिसमें हो उसका नाम रहस्य, और श्री गुरु मंत्र जब प्रदान किया जाता है तो वो रहस्य रूप ही होता है। कपड़ा ओढ़ा करके आवरण सहित उसको प्रदान किया जाए वो अत्यंत अत्यंत मूल्यवान भगवत स्वरूप है, भगवान ही मंत्र के रूप में, श्री प्रियालाल का विलास वही मंत्र के रूप में कहीं शब्द बनकर के विराजमान हुआ, और उसे साधक भी अपनी निधि के रूप में अपने हृदय में छिपा करके रखेगा। ऐसा जो रहस्य, वो रहस्य मंत्र जैसे ही साधक के कान में पड़ता है उसका यह शरीर तुरंत ही चिन्मय हो जाता है। इसके लिए विष्णु चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया स्पर्श मणि न्याय, जैसे पारस लोहे को छूता है और लोहे को छूने के साथ ही साथ लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार शरीर तो है हमारा हर चार मास का बना हुआ पंचमहाभूतों का, परंतु जैसे ही श्रीमद गुरुदेव के द्वारा कृष्ण नाम कान में गया, गले में तुलसी की कंठी धारण कराई गई, वैसे ही हमारे शरीर भी चिन्मय हो गया, और इस यथास्थित शरीर के भीतर ही एक चिन्मय शरीर की प्राप्ति कहीं छिप करके विराजमान हो गई। तुमान यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचकीर शतों में तदा अमृतत्वाय प्रपद्यमान, उसमें अमरता अमृतत्वाय प्रपद्यमान अमरता आ गई, चिन्मयता उस शरीर में आ गई। अब उस चिन्मय शरीर के द्वारा वह इस यथावस्थित शरीर, ये यथावस्थित शरीर भी चिन्मय शरीर के संयोग के कारण चिन्मय हो गया। अब इस शरीर से जो भी सेवा की जाएगी उसको ठाकुर स्वीकार करेंगे। यदि प्राकृत शरीर से सेवा की जाएगी तो भगवान अप्राकृत हैं। जब एक देश की
करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती है तो प्राकृत की करेंसी अप्राकृत में कैसे चलेगी? तो ये शरीर जब चिन्मय हो गया, उस चिन्मय शरीर के द्वारा चिन्मय भगवान की चिन्मयी सेवा की जाएगी। तदा मृतत्व आय प्रपद्यमान मैं आत्म भूयाय च कल्पते वही, मैं उसे आत्म भूयाय अपने जैसा कल्पते लगभग बना लेता हूं। उसका रूप रंग अभी नहीं बदला है परंतु तो वह अभी दिख रहा है वो वैसा ही, परंतु उसके भीतर कल्पते कृत संपत्तिमान धातु है, अर्थात उसको वैसा स्वरूप जैसा प्राप्त हो जाता है। तो मुनियों की गोष्ठी भी चिन्मय स्वरूप को धारण करके विराजमान है। इसी प्रकार श्रीमद वृंदावन भी कैसे हैं, श्री यमुना जी भी कैसे हैं, बोले धृत शुद्ध उज्ज्वल सत्व संतति। जहां पर उज्ज्वल सत्व माने जल और प्राणी, ये सब उज्ज्वल दिव्य कमल दिव्य पुष्प दिव्य लहर जहां पर विराजमान है। उज्ज्वल संतति, संतति माने समूह, उज्ज्वल वस्तुओं का समूह ही जहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान है। धृत माने धारण किया हुआ है, शुद्ध उज्ज्वल माने अप्राकृत जल और कमल इनकी संततियों को जिस यमुना ने धारण कर रखा है, जैसे कि दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद में पंच संस्कार होने के साथ ही साथ एक जीव को चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है, इसी प्रकार ये श्री यमुना भी आज मुनि गोष्ठी की तरह से प्रतीत हो रही है, चिन्मय गोष्ठी की तरह से प्रतीत हो रही है। और श्री यमुना कैसी है, बोले स्फुट कृष्ण रुचिर, स्पष्ट रूप से कृष्ण रुचि को धारण करने वाली। यमुना जी भी श्याम रंग की हैं और भक्त उनमें भी कृष्ण की रुचि सर्वत्र सर्वत्र स्फुट होती है। जिधर भक्त देखता है उधर उसे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। तो स्फुट कृष्ण रुचि ही स्पष्ट रूप से कृष्ण की छाया वह सर्वत्र दर्शन करता है। ऐसी यमाद्रता, और श्री यमुना जी भी कैसी हैं, मुनि गोष्ठी भी कैसी है कि यमधन राज भी उन मुनि गोष्ठी का आदर करते हैं, और श्री यमुना जी भी ऐसी हैं कि यमाद्रता श्री यमधन राज भी उनका आदर करते हुए विराजमान होते हैं। यमाद्रता अब मुनि जो है वो यम नियम इनका आदर करते हुए विराजमान होंगे, और भक्तगण कैसे हैं, ये तो मुनि हुए, और श्री यमुना जी कैसी हैं, यमाद्रता माने यमधन राज भाई उनके द्वारा भी बहन का अत्यंत अत्यंत आदर किया जा रहा है। और जिन्होंने यमुना जी की शरणागति ग्रहण की, यमुना जी उनको आश्रय प्रदान करती है, स्नेह यदि कृपा प्रदान करें तो ऐसे कृपा पात्र व्यक्ति के ऊपर यमधर्मराज दंड नहीं देते हैं, क्योंकि भांजा बड़ा प्यारा होता है। यम की बहन है यमुना, और जो यमुना का आश्रय ग्रहण किया हुआ है वो हो गया श्री यमधर्मराज का भांजा, और भांजा बहुत ज्यादा प्यारा होता है, मामा बहुत ज्यादा प्यारा, एक माई कितनी प्यारी, और माँ इंस्पायर हो जाए माँ माँ तो फिर कहना ही क्या। तो यमधर्मराज उसका अत्यंत अत्यंत स्नेह करते हुए विराजमान होती है। तो यमाद्रता यमधर्मराज भी उनका आदर करते हैं, और मुनि गोष्ठी के अर्थ में यमाद्रता का अर्थ हुआ कि यम नियम इनको वो मुनि गोष्ठी आदर प्रदान करती हुई विराजमान होती है। यम के द्वारा जितनी भी ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको वश में व्यक्ति करता है, नियम के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है, प्राणायाम के द्वारा वो प्राणों को वश में करता है, प्रत्याहार के द्वारा बुद्धि जो विषयों की ओर जा रही है उसको लौटाता है, फिर धारणा के द्वारा वह अपने चित्त को एक जगह केंद्रित करने का प्रयत्न करता है, ध्यान के द्वारा एक एक अंग में अपने चित्त को स्थापित करता है, और समाधि में वह ध्येय पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का स्मरण करता ही नहीं है। तो यम नियम आसन, आसन के द्वारा स्थूल शरीर उसको वशीभूत करते हुए विराजमान। तो मुनि गोष्ठी जैसे अष्टांग योग को अपना करके विराजमान होती है, इसी प्रकार ये श्री यमुना जी भी
यमाद्रता, यम धर्मराज उनके द्वारा आद्रता होकर के, आदरणीय होकर के विराजमान हैं। ऐसे बुद्धगोष्ठी चकास्त भानुजा, ये सूर्य की पुत्री आज सुशोभित हो रही है। दोबारा सुन ले, ये श्लेष अलंकार पूर्वक उपमा अलंकार, श्लेष गर्भित उपमा अलंकार का यह सुंदर प्रयोग है कि बिरतोनियम मुनि गोष्ठी जैसे सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इनकी चिंताओं से रहित होती है, इसी प्रकार यमुना भी आज लहरों से रहित होकर के स्थिर होकर के विराजमान है। सुनीरजा जैसे मुनियों की गोष्ठी रजोगुण से नीरजा, रजोगुण से रहित होकर के विराजमान होती है, इसी प्रकार यहाँ कमल खिल रहे हैं, नीरज खिल रहे हैं। जैसे मुनियों की गोष्ठी विशुद्ध सत्वात्मक शरीर को धारण करके चिन्मय अंतश्चित्त शरीर को धारण करके समाधि में विराजमान होती है, इसी प्रकार धृत शुद्ध उज्ज्वल सत्व संतति, ये शुद्ध उज्ज्वल सत्व माने हृदय के भाव को धारण करके विराजमान है। सत्व उज्ज्वल सत्व संतति माने भाव संभू, सत्व माने भाव, संतति माने उसका विस्तार। तो मुनि जैसे सात्विक भावों को धारण करके विराजमान होते हैं, इसी प्रकार श्री यमुना भी शुद्ध उज्ज्वल जल के समूह को धारण करके विराजमान है। स्फुट कृष्ण रुचि जैसे मुनियों की गोष्ठी उसमें कृष्ण की रुचि ही, कृष्ण का ही वे सर्वत्र दर्शन करते हैं, श्री यमुना भी श्री कृष्ण का रंग धारण करके ही विराजमान है। मानो श्री कृष्ण का चिंतन करते करते श्री यमुना, जब श्री श्याम सुंदर श्री यमुना में स्नान करते हैं तो मानो अपनी अंग कांति भी श्री यमुना जी को प्रदान कर देती है। श्री बल्लभाचार्य जी ने ये भाव कही यमुना अष्टक में प्रकट किया कि श्री श्याम सुंदर जब यमुना जी में स्नान करते हैं उस समय मानो अपनी अंग कांति श्री यमुना को प्रदान कर देती है। कृष्ण रुचि और यमाद्रता, मुनि गोष्ठी भी यम नियम आदि से युक्त है और ये यमुना जी भी यमधर्म राज के द्वारा आदरणीय होकर के विराजमान है। ऐसे चकास्ती मन सुशोभित होती है भानुजा सूर्य की पुत्र। श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रिय देखो देखो स्मित रुचि विराजित श्री विराज तंते मुखमे नीराजे अधीराक्षी नीरज बांधव द्वितुर नीरज राजी मरुद्रमता। बोले आहा मुझे तो ये लग रहा है कि वृंदावन में शीतल मंद सुगंध वायु जब चलता है तो श्री यमुना जी में जो कमल खिल रहे हैं वे कमल घूमते हैं हिलते हैं और वो कमल हिल नहीं रहे हैं, मानो हे प्रिय आज तुम्हारी श्री यमुना जी आरती उतार रही है, इसी भाव को प्रस्तुत कर रहे किस्मित रुचि विराजितम ते मुखम। आहा हे प्रिय आपका मुख स्मित माने मंद मुस्कान की शोभा से सुशोभित है। स्मित मुख रुचि विराजितम मंद मुस्कान की शोभा से विराजित है आपका मुख, मानो ऐसे तुम्हारे मुख की नीराजयति अधीराक्षी, हे अधीराक्षी हे चंचल नयने, प्रिया जी के नेत्र नाचते रहते हैं अधीराक्षी हैं, इसलिए हे अधीराक्षी मानो नीराजयति ये कमलों का समूह आपका नीराजन कर रहा है। नीराजन का तात्पर्य है कि अंग अंग का दर्शन करने की उत्कंठा, उसका नाम नीराजन। हमारे वृंदावन के रसकों ने तो कह दिया कि आरत इनको मिलन की और न आरत कोई और आग बार आरत करे खसम खिजावे सोए। भगवत रसिक जी कह रहे हैं निश्चित गुरुदेव वे निरूपण कर रहे हैं गुरुदेव के वचन है कि आरती का मतलब क्या है, आरती माने व्याकुलता, जहां व्याकुलता से प्यारे का दर्शन करने का
की उत्कंठा हो उसका नाम है आरती। ज्ञानदेव जी श्री नंबाक संप्रदाय में, श्री स्वामी हरदास जी के संप्रदाय में बिहारी देव जी का नाम प्रसिद्ध है गुरुदेव। गुरुदेव कहने से बिहारी देव जी का महाबोध होता है, रूढ़ है, माने गुरुदेव कहकर कि बिहारी देव जी को ही समझा जाए। तो गुरुदेव के वहाँ पर बिहारी देव जी के वचन है, उनकी एक साखी है कि आदत इनको मिलन की, श्री प्रियालाल और जितनी भी सखीगण उनको इस रूप रूप का दर्शन करने की आरती माने व्याकुलता है, और न आरत हो, इनको कोई दूसरी व्याकुलता नहीं है, केवल प्यारे का दर्शन करने की, युग सरकार की रूप माधुरी का दर्शन करने की इनको व्याकुलता है। अब यदि वो आतुरता है नहीं और कोई कर्म कांड में केवल आग बार आरत करे, आग जला करके आरती करे, तो उसका नाम कोई आरती है क्या? आरती में तो व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। आरती के समय तो आरती हो रही, चलो दौड़ के चलो, दौड़ के चलो, तो आरती हो जाएगी। तो ये जो व्याकुलता है वो कहीं आरती के समय स्वाभाविक रूप में दिखती भी है। तो आग बार आरत करे, खसम खिजावे सोई, वो तो खसम को खिजाना है, उसको और चढ़ाना है। तो ये मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य रूप से आरती का तात्पर्य है श्री प्रभु के सर्वांग का व्याकुलता पूर्वक दर्शन करने की उत्कंठा, उसका नाम है आरती। सर्वांग के व्याकुलता पूर्वक दर्शन करने की उत्कंठा, उसका नाम है आरती। और सर्वांग का दर्शन करना, उसका नाम है परिक्रमा। चारों ओर से घूम करके जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, सर्वांग दर्शन की चेष्टा, उसका नाम परिक्रमा। और सर्वांग दर्शन की व्याकुलता, उसका नाम है आरती। तो ये नीरज राजी, ये भोरों का जो समूह है, ये नीराजत्यधीराक्षी, ये आज हे श्री राधे के आपका मानो नीराजन करते हुए विराजमान हो रहा है। नीराज नीरज बांधव दुहितु, हे नीरज बांधव, नीरज माने कमल, कमल का बंधु कौन है? सूर्य। और सूर्य की पुत्री कौन है? बोले श्री यमुना। तो नीरज बांधव दुहितु माने सीधा सीधा अर्थ होगा, पूरे का अर्थ होगा, फलित अर्थ होगा यमुना। नीरज माने कमल, कमल का बंधु, कमल का बंधु होता है सूर्य, उसकी पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है? श्री यमुना। तो नीरज बांधव दुहितु श्री यमुना, उनकी नीरज राजी, उनके कमलों का समूह मरुभ्रमिता भोरों वायु से हिलता हुआ, हे श्री प्रिय, आपके मुख की आरती करता हुआ ही विराजमान हो रहा है। उत्कंठा पूर्वक वह आपके मुख का मानो आरती उतार रहा है, व्याकुलता पूर्वक दर्शन करना चाहता है। दोबारा निरूपण कर दे, किस्मित रुचि विराजे तमते मुखम, हे श्री प्रिय, आपका मुख स्मित से युक्त होकर के विराजमान, जो मुस्कान है वह स्मित हास, मृदुहास और कलहास चार रूपों में प्रकट होती है। स्मित वो जहां पर केवल मुख फार थोड़ी लंबी हो जाए, परंतु दंतावली नहीं दिखे, उसका नाम स्मित। केवल मुंह मुस्कुराने पर थोड़ा बढ़ जाए, मुंह का आकार बढ़ जाए, वो है स्मित। फिर मृदुहास, मृदुहास का तात्पर्य है जहां छोटे से दांत भी दिख जाए, उसका नाम है मृदुहास। जब दांत के साथ साथ हल्की सी आवाज वो भी प्रकट हो जाए, उसका नाम है कलहास। मृदु स्मित, मृदुहास, कलहास, स्मित, मृदुहास, फिर कलहास, ये क्रमशः करके विराजमान। मृदु और हास जहां पर मुख पूरा प्रकट हो जाए वो है हास। फिर इसके बाद में अट्टहास और अतिहास, ये दो निंदनीय होकर के विराजमान, वो प्रशंसनीय नहीं। ये चार जो है
वो चार ही शोहा में अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय है, स्मित, मृदुहास, कलहास, हास, ये चार तो प्रशंसनीय, और फिर अट्टहास और अतिहास। अट्टहास में जोर से आवाज आए और अतिहास वो जहां पर आंसू आ जाए, मूर्छा आ जाए, हाथ पांव पछतने लग जाए, शरीर का ध्यान नहीं रहे, उसका नाम है अतिहास। तो वो निंदनीय होकर के विराजमान। तो हे श्री प्रिय, स्मित रुचि, आपकी जो स्मित की रुचि है वो अद्भुत होकर के विराजमान, ऐसे आपके मुख को नीराजयती अधीराक्षी, ये कमल मानो आरती उतार रहे हैं, मानो उत्कंठा पूर्वक आपका दर्शन कर रहे हैं। हे अधीराक्षी, हे चंचल नयने, नीरज बांधव बंधु द्वेतु, श्री यमुना के नीरज राजी भोरों का कमलों का समूह मानो आपकी आरती उतार रहा है। यह आरती कैसे उतारी जा रही है? बोले मरु भ्रमिता, वायु से भ्रमित होकर के ये कमल आपकी आरती उतारते हुए विराजमान हो रहे हैं। शिवृंदा जी उस समय थोड़ी सी आगे बढ़ती है, शिवप्रिया लाल इन दोनों को जैसे इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। राजा जब इस आप निरीक्षण करने के लिए आए तो गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए जैसे उसको दिखाया जाए, ऐसे ही श्री वृंदा जी आज श्री प्रिया लाल दोनों वृंदावन राज्य का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उस समय श्री वृंदा जी आगे बढ़ती जा रही हैं और आगे बढ़कर के नीर जानी आहत्यो, एक कमल को लाकर के तोड़ करके और श्री श्याम सुंदर को प्रदान करती है और कह रही है, पुंडरी काक्ष स्पोको थुल्लम इदम ग्रहण लीला पुंडरीकम, ये लीला पुंडरीक है, लीला का सफेद कमल है, सुंदर लीला करने योग्य सफेद कमल है। स्तोको थुल्लम, ये थोड़ा सा खिला हुआ है, इसको आप ग्रहण ग्रहण करें। पुंडरी कहते हैं सफेद कमल को, जो पीले रंग का कमल हो उसको कहते हैं स्वर्ण कमल, जो लाल रंग का हो उसको कहते हैं सरोज, जो नीले रंग का हो उसको कहते हैं इंदिवर। ये पुंडरी जो है वो पुंडरी कहने का तात्पर्य है कि ये श्वेत रंग का सुंदर कमल है, जो आकार में छोटा हो उसका नाम है उत्पल और जो आकार में बड़ा हो उसका नाम है पद्म। है सब कमल की जाति परंतु सबके अलग अलग गुण विद्यमान। तो पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरी के समान नेत्र वाले, ये लीला पुंडरीक है, इसको आप ग्रहण करें, श्वेत कमल है इसको ग्रहण करें। तथा अवतंसोचितम कोकनंदन द्वंदम, और ये आपके कान में धारण कराने लायक, कान में अटकाने लायक बड़े सुंदर कोकनंद।